हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका चैनल सब्सक्राइब करना है। और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो हम कंटेंट आपको डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो समझ में आ रहा है और आपके लिए यूजफुल है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जनरल क्वेरी आती है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये आप लोगों का भी डाउट होगा जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या सोचते हैं कि हम बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है, तो हम उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को फोन पर पूरी बिजनेस एंटिटीज के बारे में समझाता हूं और मुझे ऐसा लगता है ये सभी लोगों की क्वेरी है, इसलिए आज मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उन बिजनेस एंटिटीज के बारे में समझा दिया जाए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से समझने की जरूरत ना हो। आप इजीली डायरेक्ट उनको फोन करें और कहें कि हमें इस तरह से बिजनेस करना है, आप इसमें हमारी हेल्प कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके माइंड में एक बिजनेस आइडिया आता है कि हम लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस आइडिया एक बंदे के दिमाग में भी आ सकता है, दो बंदे के दिमाग में भी आ सकता है और ज्यादा दिमाग में भी आ सकता है बंदों के। तो आप अपने कंसल्टेंट को फोन करते हो और उससे कहते हो कि मुझे कंपनी बनवानी है, तो मैं आपसे उस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, जो कि क्लाइंट और आपके बीच में होता है, उसके माध्यम से आपकी क्वेरी रिजोल्व करता हूं, जिससे कि आपकी क्वेरी ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाएंगी जो मन में है आपके। जैसे कि आप कहते हैं पहला क्वेश्चन कि मुझे कंपनी बनवानी है, तो आपके कंसल्टेंट कहते हैं कि कौन सी कंपनी बनवानी है, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको फर्म बोला जाता है। एलएलपी को भी फर्म बोला जाता है, वो पार्टनरशिप से थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी को बोला जाता है, जिसके बारे में भी अपनी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करता हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहता है और वो बिजनेस कैसे करे, तो उसके लिए क्या करना होता है। दोस्तों, आप अपने कंसल्टेंट को फोन करते हो, सबसे इजी प्रोसेस प्रोप्राइटरशिप फर्म का होता है, आप डे वन से उसमें काम कर सकते हो, अनटिल अनलेस आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट तुरंत नहीं है। अगर आपको डे वन पर जीएसटी की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, आप अपने कंसल्टेंट को फोन कीजिए, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, ये सब उसको सेंड कीजिए और कहिए कि मेरा बिजनेस रजिस्टर कर दीजिए, और नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप शेयर कर दीजिए। आपके कंसल्टेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा देंगे। होपफुली 8 to 10 days में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, उसके बाद इमीडिएटली आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में जाके, तो पैरेलली चल सकता है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, इसके कंप्लायंस बहुत कम होते हैं, साल में इनकम टैक्स की रिटर्न जानी होती है और मिडिल ऑफ द ईयर आपका कोई कंप्लायंस नहीं होता है, अनटिल अनलेस आपकी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मैं टीडीएस काटने के रिक्वायरमेंट के बारे में आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि कब कब हमें टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आते हैं फ्रेंड नंबर दो एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो या तीन बंदे या चार बंदे, एक से ज़्यादा बंदे मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस एंटिटी का यूज होता है।
इसमें हम लोग कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म दो तरह की हो सकती हैं, एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो सकती है, एक रजिस्टर्ड फर्म हो सकती है। आप अपने कंसल्टेंट को बोलिए कि हमें पार्टनरशिप फर्म बनानी है, उसके लिए क्या जरूरी बातें हैं। सबसे पहले तो आप दो बंदे हैं, आप पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, आप इसमें एक पार्टनरशिप डीड बनती है जिसे साइन करने के लिए दोनों पार्टनर रेडी हैं। उस पार्टनरशिप डीड में आपका बिजनेस के ऑपरेशन का तरीका, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपका बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप डीड आपकी स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड होती है। आप दोनों पार्टनर्स के या तीनों पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बिजनेस की डिटेल सारी अपने कंसल्टेंट को शेयर करते हैं। वो पार्टनरशिप डीड आपको भेजता है चेक करने के लिए और आप उसे पढ़ते हैं, उसमें चेक करते हैं कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ठीक है, नाम ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन बिजनेस करेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ लिखा होता है, एवरीथिंग इन पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आप ओके कर देते हैं तो आपके जो कंसल्टेंट हैं वो नोटराइज करा के उसको आपके साइन करा के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस फर्म को बोलते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म। दूसरी बात की थी मैंने रजिस्टर्ड फर्म की। रजिस्टर्ड फर्म में आपको क्या करना होता है? रजिस्टर्ड फर्म में आपके कंसल्टेंट जो डीड एग्जीक्यूट हो जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं, वो होती है रजिस्टर्ड फर्म। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है उसमें अगर पार्टनर के बीच में कभी भविष्य में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते एक दूसरे के अगेंस्ट। रजिस्टर्ड फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म जब आप बनाते हो तो उस पर 30% प्लस टैक्स लगता है फ्लैट। अगर 100 रुपये इनकम होगी आपकी तो 30 रुपीज आपको इनकम टैक्स के रूप में देने होंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि एक नया कंसेप्ट था LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, वो रजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड होती है। उसमें सबसे बड़ा लकुना क्या है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। यानी कि कल को अगर कोई केस हो जाता है, कहीं आपकी लाइबिलिटी बनती है फर्म की, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली सेवरली लाइबल होंगे अप टू पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। इसी को देखते हुए, हार्डशिप को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया कंसेप्ट लेकर आई थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपकी डीड भी बनेगी, नॉर्मल प्रोसीजर सब होगा जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में होता है। केवल वो डीड आपकी जाकर रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाकर हो जाएगी। उसमें आपको नाम भी पहले बताना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं LLP के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको अपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेती है और एक आपको सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि LLP आप आज से रजिस्टर्ड हो गई है। LLP में क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्टनर बोला जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है जिन बंदों पर, जिन पार्टनर्स पर उस फर्म की जिम्मेदारी है कंप्लायंस की चलाने की, उन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर्स की लाइबिलिटीज में लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द LLP। इसमें पार्टनर्स की पर्सनल एसेट कंसीडर नहीं होती है और जितनी एसेट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में होती है उतनी ही किसी लाइबिलिटी के लिए मानी जाती है। फ्रेंड्स अब एक एडवांस वर्जन के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया, फिर पार्टनरशिप के बारे में बताया, फिर LLP के बारे में बताया। उसका एडवांस कंसेप्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। फ्रेंड्स प्राइवेट LLP में क्या होता था, LLP हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाकर रजिस्टर करानी होती है। उसमें
कंप्लायंस भी कम होते हैं आपके, और बेसिकली काम ऐसे ही करती है जैसे पार्टनरशिप फर्म करती है। टैक्स दोनों में सेम है, 30% होता है। हाँ, LLP में आप इनकम टैक्स के 44AD का सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। प्राइवेट लिमिटेड, जैसे आप पार्टनरशिप फर्म को लेकर जाते हैं, पहले नाम अप्रूव कराते हैं, फिर डीड भेजते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ऐसे ही सेम प्राइवेट लिमिटेड के केस में होता है। प्राइवेट लिमिटेड केस में डेट की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कंप्लायंस काफ़ी सारे होते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट लिमिटेड में, चाहे आपकी नील टर्नओवर है, जीरो टर्नओवर है, वो एनुअल ऑडिट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना ही होगा। ऑडिट करा के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स भेजते हैं हर साल आप, और ड्यूरिंग द ईयर आपको जैसे कि DPD-3 है, एक्टिव फॉर्म है, आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ कंप्लायंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास करने होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स केवल गवर्नमेंट का इतना ही है, जिससे कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर कौन होते हैं इसमें, जैसे LLP में पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स होते हैं, उनको डायरेक्टर्स बोला जाता है। फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में इनकम टैक्स आपका कम होता है, उसमें सर्टेन क्राइटेरिया इनकम टैक्स में दिया गया है, आपको 15%, 22%, 25%, 30% आपका टैक्स वेरी करता है। तो आप फ्रेंड्स जो पार्टनरशिप फर्म है, LLP है और प्राइवेट लिमिटेड है, जब एक से ज़्यादा बंदे मिलकर, एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो यूज करते हैं नॉर्मली। लेकिन कोई अगर सिंगल व्यक्ति आपको कोई बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में कर सकते हो। लेकिन किसी सिंगल पर्सन जब कोई काम कर रहा होता है, उसे कभी कभी ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो नहीं, मुझे किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंसेप्ट और निकाला था, वन पर्सन कंपनी, जिसे OPC बोला जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। वो सिंगल पर्सन भी रजिस्टर कर सकता है, उसमें दो बंदों की जरूरत नहीं होती है। सेम प्रोसेस होता है जो प्राइवेट लिमिटेड का होता है, थोड़े कंप्लायंस कम होते हैं लेकिन सेम प्रोसेस होता है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाना है, सब आपके पास कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम आपको सब कंप्लायंस करने हैं। फ्रेंड्स अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपकी लिमिट लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, लाइक आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। इस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप LLP और प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, और आप सिंगल बंदे हैं तो आप OPC भी बना सकते हैं लेकिन अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड करिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई आपके साथ है नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के में बिजनेस करिए। इससे आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, कंप्लायंस बहुत कम करने होते हैं, कंपनी एक्ट कुछ भी कंप्लायंस नहीं है, केवल आपको अगर GST में रजिस्टर्ड है GST का करना है, आपको साल में एक बार ऑडिट एप्लीकेबल ऑडिट कराना है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, दैट्स इट। आपको स्लैब का बेनिफिट मिलता है जो इंडिविजुअल को मिलता है, तो आपको टैक्सेशन भी कम लगता है। फ्रेंड्स अब आगे कोई भी बिजनेस आप करें या सोचे करने की, या कोई भी पर्सन सोच रहा है करने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपके बिजनेस पे क्या एप्लीकेबल है। और आपने कंसल्टेंट को, काफ़ी कंसल्टेंट तो मिसगाइड भी कर देते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड आपकी रजिस्टर कर सकते हैं, LLP रजिस्टर कर देते हैं, जिससे कि आपका कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है, जबकि आपको ज़रूरत ही नहीं थी। फ्रेंड्स आप इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें, आप खुद भी समझ सकते हो, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके बिजनेस पे क्या एप्लीकेबल है, और अपने कंसल्टेंट को डायरेक्ट बोलिए कि मुझे प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के दीजिए, मुझे पार्टनरशिप फर्म बना के दीजिए, मुझे LLP बना के दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड बना के दीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि आगे भी मैं आपके पास उपस्थित होता रहूंगा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। थैंक यू।